वेलकम बैक टू सीवाई कंप्लीशन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन परकिन रिएक्शंस। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम बीटिंग रिएक्शन, इल्डोल रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन ये सारी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये सारी रिएक्शंस आपके आने वाले एग्जाम पीजीटी केमिस्ट्री, जीआईसी लेक्चरर केमिस्ट्री और जो भी आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स हैं, नीट हो गया, जेई हो गया और आपके सीएसआईआर, नेट, गेट सारे एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस नेम रिएक्शंस की सीरीज में हम सारे नेम रिएक्शंस को आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम देखेंगे परकिन रिएक्शंस। परकिन रिएक्शन में क्या करना होता है, आपको कोई भी आपको एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना होता है, उसके रिएक्शंस आपको कराना है विद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफैटिक एसिड एंड द सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। और उस एसिड का आपको क्या करना है, सोडियम सॉल्ट लेना है। प्रोडक्ट जो बनता है उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, यानी अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो आप याद रखेंगे, ट्रीटमेंट आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, उसकी रिएक्शन एन हाइड्राइड से कराना है। एलिफैटिक एसिड लेना है, उसके साथ रिएक्शन कराने के लिए सोडियम सॉल्ट जैसे आप लेने ले लिया और प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखते हैं, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एस्टिक एनहाइड्राइड। अगर आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा तो मिलेगा सिनेमिक एसिड, यानी सोडियम एसिटेट। यहाँ पे साल्ट ऑफ एसिड जो आपने लिया है, सोडियम एसिटेट लिया है और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सिनेमिक एसिड। ये पोजीशन आपका अल्फा हो गया, ये पोजीशन बीटा हो गया, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपको मिल गया। अब हम इसके आगे मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म इसकी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं आसानी से कि कैसे आप उसके बाद उस रिएक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपने जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया है CH3CONa, तो ये ब्रेक होगा Na प्लस में CH3CO माइनस में, तो ये बिहेव करेगा एज ए बेस। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन अब रिस्ट्रिक्शन करना। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, जो फॉर्मेशन ऑफ एनायन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, जो आपने एसिड एनहाइड्राइड लिया है उसका स्ट्रक्चर यही होगा CH3COOCOCH3। तो बेस क्या किया, एक प्रोटॉन एसिड एनहाइड्राइड से ले लिया और अपना इलेक्ट्रॉन इस सेंटर को ट्रांसफर कर दिया, यानी CH2 पे क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया और यहाँ से CH3COOH निकल गया। अगली जो स्पीसीज बनी आपकी CH2 माइनस COOCOCH3 प्लस CH3COH निकल गया है। ये जो भी स्पीसीज आपका बना है ये बिहेव करेगा एज ए कार्बन आयन, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल उसी सेंटर पे अटैक करेगा जो सेंटर क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, यानी जहाँ क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अभी आपको रिएक्शन किससे कराना था, बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखता है और ऑक्सीजन माइनस चार्ज रखता है। तो स्टेप सेकेंड में आप देख रहे हैं एडिशन ऑफ ए टू बेंजल्डिहाइड गिव्स बी, यानी ए का एडिशन बेंजल्डिहाइड पे कराना है और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, बी प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है जो आपने फर्स्ट स्टेप में जनरेट किया, ये आपके बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से अटैक करेगा, तुरंत ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया और इस कार्बन से आके पूरा ये वाला ग्रुप जुड़ गया है। तो अगले स्टेप में आप इसको देखेंगे C6H5CH और इससे आके क्या जुड़ गया है, CH2COOCOCH3O-, यानी ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, ये जल्दी से जल्दी प्रोटोनेशन करना चाहेगा, यानी प्रोटॉन को अब एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो अगले स्टेप में आप क्या कराएंगे, स्टेप थर्ड में प्रोटोनेशन ऑफ बी, यानी बी का प्रोटोनेशन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो अगले स्टेप की मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कि आपको किस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है, यानी स्टेप थर्ड में आप देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, यहाँ से ये प्रोटॉन ले लिया और CH3CO- जो आप ये बेस था ये पुनः क्या हुआ, निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर इन सी में इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर कराना है बाई एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देना है और अगला प्रोडक्ट जो मिलेगा उसे आप क्या, डी वाला वो प्रोडक्ट मिलेगा उसे क्या नाम दे देंगे, आप डी दे देंगे। तो यहाँ पे आपका OH था,
OH में दोनों ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस CH2 को देगा, यानी क्या बना लेगा, H2O+ बना लेगा। तो अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसको दे रहा है, H2O+ बन जा रहा है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको दे रहा है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, तुरंत ये ग्रुप यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ से H2O निकल रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस माइनस मिलकर क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बना ले रहे हैं। आप याद रखेंगे यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ से क्या हो रहा है, H2O मॉलिक्यूल्स निकल जा रहा है, लीव आउट हो रहा है, और इसके बीच में क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो अब आपको प्रोडक्ट मिल गया। अगले स्टेप में जो हड्डी मॉलिक्यूल्स है इसको क्या करा देना है, आपको हाइड्रोलिसिस करा देना है, यानी HOS से रिएक्शन करा देना है। तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, HOS से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, CH3COOH क्या होगा, पुनः निकल जाएगा। अब इस जो भी प्रोडक्ट मिला है आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट राइट है कि नहीं है। तो आप इसका अल्फा पोजीशन देखेंगे, बीटा अल्फा और बीटा बीच की में डबल बॉन्ड है, एसिड ग्रुप लगा हुआ, यानी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड है, जिसका नाम क्या होगा, सिनेमिक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको परकिन रिएक्शन जो है वो बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड टू सिनेमिक एसिड। तो ये मैकेनिज्म है आपकी परकिन रिएक्शन की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा मैकेनिज्म 1 by 1 करके लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट नेम रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।